हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद इरशाद, सीनियर फैकल्टी जूलॉजी, CLCC का. आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिड सेशन DTS नंबर 5. दिस DTS डायमंड टेस्ट सीरीज इज फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बीन गिवन हियर is that the lifespan of an organism is related with. This question, it also correlates from the chapter of evolution. वहाँ पर लिख रखा है साफ साफ कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कम है, शॉर्ट है, तो उसके अंदर इवोल्यूशनरी चेंज बहुत जल्दी आ जाते हैं. और उसी चीज़ को इसमें पूछा गया है. लाइफ स्पान उसका बॉडी के साइज से रिलेशनशिप नहीं होता. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल फीमेल अलग अलग हैं, उससे रिलेशनशिप नहीं होता. नंबर ऑफ प्रोजेनी यानी कि कितने ऑफस्प्रिंग उसने दिए, उससे रिलेटेड नहीं होता. तो किससे रिलेटेड होता है? इवोल्यूशनरी चेंजेस इन इट. किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका लाइफ स्पान प्राइमरीली जो होता है वो क्या डिसाइड करता है, उसमें इवोल्यूशनरी चेंज किस तरह से आएंगे. अगर लाइफ स्पान शॉर्ट है तो इवोल्यूशनरी चेंज वो अर्ली यानी कि जल्दी आते हैं. और अगर लाइफ स्पान ज़्यादा बड़ा है, कई सालों में है, तो इवोल्यूशनरी चेंज उसके अंदर स्लोली इवॉल्व होते हैं. तो यहाँ पर आंसर इज 1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 102 विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूज बाई ए स्पंज टू इंक्रीज इट्स कॉलोनी साइज इन फेवरेबल कंडीशन. हिंदी में लिख रखा है, निम्न में से कौन सी प्रजनन विधि अनुकूल परिस्थितियों में स्पंजों द्वारा निवेह के आकार में वृद्धि हेतु उपयोग में ली जाती है. तो अगर अपन देखें, मान लीजिए ये एक स्पंज की कॉलोनी है. स्पंज बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सीडेंट्री होते हैं, इनमें मूवमेंट भी नहीं होता, एक जगह फिक्स रहते हैं. अब इसमें बड्स बनती हैं, बॉडी के अंदर से ये बड्स जनरेट शुरू होती हैं, ये कहलाती हैं एंडोजीनस बर्ड्स कहलाती हैं. ये बर्ड्स जो बनती हैं, ये बेसिकली जो सर्किल बनाया मैंने, ये अंदर से एक जेम्यूल है, ये इट इज ए जेम्यूल. अब ये जेम्यूल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इन फ्रेश वाटर स्पंजेस. वेरी फ्यू मैरीन स्पंजेस वो हैं इस जेम्यूल प्रोड्यूस करते हैं. और कब करते हैं ये याद रखना पड़ेगा आपको, एडवर्स कंडीशन में ये जेम्यूल फॉर्मेशन होता है. ये कहलाती है एंडोजीनस बर्ड और ये इस बर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है जेम्यूल. ठीक है, तो जेम्यूल फॉर्मेशन नॉर्मली कब होता है? टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन. मान लीजिए एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसके अंदर पानी जो है वो ड्राई अप होने वाला है, उससे पहले ये जेम्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. और ये जेम्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें ये ओपनिंग कहलाती है माइक्रोपाइल. यहां पे ये सेल्स होती हैं बहुत सारी, टोटिपोटेंट सेल्स हैं जिनसे फ्यूचर में नया स्पंज बॉडी बन सकता है. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट सेल्स. ये जेम्यूल है जो यहां से बर्ड के फॉर्म में निकल के अलग हो गया. अब इस जेम्यूल से जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये आर्कियोसाइट्स यहां से रिलीज हो जाती हैं. एंड दीज आर्कियोसाइट्स दे गिव राइज टू ए न्यू स्पंज. ये काम कब हो रहा है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक बर्ड की तरह निकलता है. अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जो स्पंजेस के अंदर रेगुलर तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक ब्रीडिंग सीजन उसके अंदर ये रन करता रहता है. स्पोरुलेशन, ये वास्तव में स्पोरुलेशन है ही नहीं, इस तरह स्पोर बनते हैं. इसको बर्ड को आप स्पोर नहीं कह सकते, ना आप इस आर्कियोसाइट सेल को स्पोर कह सकते. तो ये जो बर्ड होती है बेसिकली ये इस तरह से बनती है कि ये एक स्पंज है,
इसके साथ में ये बर्ड निकली और ये इधर से बर्ड निकली। धीरे धीरे ये बर्ड जो है साइज में इंक्रीज होती जाएगी इस तरह से, और ये बर्ड से एक नया बर्ड बन जाएगा, और धीरे धीरे ये कॉलोनी का साइज ये बर्डिंग से इंक्रीज होता जाएगा। ये बर्डिंग जो होती है, ये बर्डिंग बेसिकली कॉलोनी के साइज को फेवरेबल कंडीशन में इंक्रीज करने के लिए होती है। जेम्यूल बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, बर्डिंग फेवरेबल कंडीशन में लगातार होती रहती है, इसका कोई सीजन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज नंबर टू, बर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न में से किस जंतु में प्रजनन अंगों में चक्रीय परिवर्तन वर्ष में केवल एक या दो बार आते हैं। तो अपन ने ये देखा, एक चैप्टर आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एनिमल साल में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर रहा है या दो बार रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक ये कि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो रिप्रोडक्टिव पैटर्न चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शो होती है, मेंसेस, ये भी मेंसेस शो करता है चिंपैंजी। मेंसेस का मतलब है मंथली चेंजेस। मेंसेस का मतलब क्या है? मंथली चेंजेस। तो डियर जो होता है, हिरन, उसके अंदर क्या लिख रखा है? साल में एक या दो बार, ओनली वंस और ट्वाइस इन ए ईयर। मेंसेस तो होते हैं मंथली, और इसके अंदर चेंजेस आते हैं साल में एक बार, ब्रीडिंग सीजन एक ही बार होता है। तो आंसर इज फोर, डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रेजेंस ऑफ क्रीडा का एग इन एन एडेप्टेशन टू, अंडे इस तरह के जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होता है, ऐसे अंडे जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होता है, ये अंडे कहलाते हैं क्लीडोइक एग्स। अब ये अंडे सबसे ज्यादा बेनिफिट ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए साबित होते हैं जिनकी लाइफ टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में चलती है, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स के अंदर, है ना। तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए हेल्पफुल नहीं है, टेम्परेचर रेगुलेशन होम्योथर्मी के लिए हेल्पफुल नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट हेल्पफुल इन पॉइक्योथर्मिक एनिमल्स, इट इज एन अडेप्टेशन फॉर टेरिस्ट्रियल लाइफ, जमीन पर रहने के लिए। अंडे ड्राई कंडीशन में, सूखी कंडीशन में ड्राई अप नहीं होते, सूखते नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ एक शेल प्रेजेंट होता है, ऐसे अंडों को अपन कह देते हैं क्लीडोइक एग्स। तो जमीन पर रहने के लिए कई अडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ क्लीडोइक एग्स इन एनिमल्स। क्लीडोइक अंडे ड्राई कंडीशन में भी अंडों को डेसिकेट होने से रोकते हैं, खराब होने से बचाते हैं। टेरिस्ट्रियल लाइफ का एक अडेप्टेशन है प्रेजेंस ऑफ क्लीडोइक एग्स। नेक्स्ट, रोटीफर्स एंड सम लिजार्ड शोज पार्थिनोजेनेसिस। रोटीफर्स एक प्लेटीएलमेंथिस एस्केलमेंथिस जो हेलमिंस होते हैं ना, उस ग्रुप के एनिमल्स हैं जिनको अपन इंक्लूड करते हैं रोटीफर्स। राउंड वर्म्स टाइप के होते हैं रोटीफर्स, और कुछ छिपकलियां क्या शो करते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, मीन्स उनके अंदर डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थिनोजेनेसिस। दूसरा है कि एक्सटर्नल सिंगेमी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी का मतलब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व इन कॉन्ड्रिक्थीज, ऐसी मछलियाँ जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, दे आर इंक्लूडेड इन कॉन्ड्रिक्थीज, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना। गेमीट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस बाय मियोसिस, गेमीट्स मियोसिस से बनते हैं लेकिन हमेशा नहीं बनते। जैसे अपन देखते हैं हनी भी है मधुमक्खी, उसके अंदर जो ड्रोन है वो जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, दीज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। फिर चौथा स्टेटमेंट है, फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स एंड ओवम शुड बी मोटाइल। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो स्पर्म और ओवम दोनों मोटाइल होने चाहिए।
इस तरह के चार स्टेटमेंट दिए मैं आपके सामने। अब इसमें से ये पूछना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर इनकरेक्ट, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो जैसे ये लिख रखा है, रोटिफर्स एंड सम लिजर्ड्स शोज पार्थिनोजेनेसिस, तो इनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है, ये सही स्टेटमेंट है। फिर दूसरा है एक्सटर्नल सिंगेमी, यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर, इट इज ऑब्जर्व इन कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, गेमिट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस बाई मियोसिस, गेमिट्स हमेशा मियोसिस से प्रोड्यूस नहीं होते। अपन ने देखा एक्सेप्शन, मैंने आपको बताया कि जैसे एक हनी भी है, उसका जो ड्रोन है उसमें जो स्पर्म बनेंगे वो माइटोसिस से बनते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सेकेंड और थर्ड ये गलत स्टेटमेंट है। फिर ये आ जाता है फोर्थ, फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओम शुड बी मोटाइल, तो स्पर्म का मोटाइल होना तो फिर भी जरूरी मानते हैं, लेकिन ओम का मोटाइल होना ये जरूरी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। द आंसर इज वन। नेक्स्ट, उच्च जीवों में जटिलताओं की उपस्थिति के बावजूद भी लैंगिक जनन को प्राथमिकता दी गई है। हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उससे वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस उनको कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन करने में, सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं, इस चीज़ को आप कंसिडर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस इन लेसर टाइम, ज़्यादा नंबर कम टाइम में बन जाता है वो तो ठीक बात नहीं है। इट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म विच हैव लॉन्गर लाइफ स्पान, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ स्पान का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। थर्ड, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय इट हैव बेटर सर्वाइवल रेट्स, उनके सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेटर अडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। चौथा, इट टेक्स लेसर टाइम टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, कम समय में, वो भी सही नहीं है। तो आंसर इज थ्री, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय इट हैव बेटर सर्वाइवल रेट, क्यों, क्योंकि दिन की अडेप्टेबिलिटी औरों से बेटर होती है। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें पूछा गया है कि लैंगिक जनन में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ये आपकी बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, अगर अपन फर्स्ट चैप्टर को रीड करें ढंग से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें साफ साफ लिख रखा है कि मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। एज पर योर एनसीईआरटी बुक, तो फर्टिलाइजेशन को दूसरे टर्म में अपन बोल देते हैं सिंगेमी। हालांकि अपन दूसरी एंगल पे अगर अपन क्वेश्चन को देखें तो सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे की जनरेशन का बनना पॉसिबल नहीं होता। आंसर इज टू। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर लोकेटेड इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड वासा एफरेंशिया, ये ह्यूमन टेस्टिस की एनाटॉमी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जिसमें अपन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है रेट टेस्टिस, यहाँ पर तो होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और दीज आर रेटेड टेस्टिस, ठीक है, और ये आ जाता है एपिडिडाइमिस, दिस इज एपिडिडाइमिस। तो इसमें पूछा गया है इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां पर तो होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड वासा एफरेंशिया, ये यहाँ पर है वासा एफरेंशिया, वासा
डिफरेंशिया, ये जोड़ रहा है एपिडिडाइमिस को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेटेटेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को वासा एफरेंशिया से लिंक करने वाला स्ट्रक्चर ये वाला है रेटेटेस्टिस। आंसर इज 3। हिंदी में कहते हैं इसको वृषण जालक, एपिडिडाइमिस को हिंदी में कहते हैं अधिवृषण, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर है 3, रेटेटेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्टोली कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं, तो सर्टोली सेल्स को दूसरा नाम दे दिया जाता है सस्टेंटिकुलर सेल्स। ये डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि वो अपनी जगह पर बने रहें। उनका फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो प्रॉपर चलता रहे उसके लिए। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, विकसित हुए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, सही है। दूसरा है प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ये भी ठीक है। फिर है रेगुलेटिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड्स, इनसे बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। इस काम के लिए अपने को एक हार्मोन चाहिए होता है ट्रिगर करने के लिए, उसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH के रिसेप्टर्स, FSH रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सर्टोली सेल्स। FSH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स पे, ये काम कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ से मोटाइल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड फॉर दिस, इस काम के लिए अपने को रिक्वायर्ड होता है हार्मोन FSH। FSH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सर्टोली सेल्स पे, तो ये जरूरी होता है। ट्रिगरिंग एंड्रोजन प्रोडक्शन, एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ट्रिगर करने में, उसमें सर्टोली सेल का रोल नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट में भी रिक्वायर्ड है सर्टोली सेल्स, दूसरे इसमें भी रिक्वायर्ड है सर्टोली सेल्स, इस इवेंट में भी रिक्वायर्ड है सर्टोली सेल्स, लेकिन एंड्रोजन के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में इनका रोल नहीं होता। तो आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 110, दिस सेज दैट एड्स कैन स्प्रेड थ्रू, एड्स किससे फैल सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं यूरिंग स्टराइल नीडल्स, ऐसी नीडल्स, ऐसी सुइयां जो पूरी तरह से स्टरलाइज हैं, मींस उनके अंदर कंटेमिनेशन का चांस ना के बराबर है। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, एक अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो फीटस को इन्फेक्ट कर सकती है, ये भी हो सकता है। ईटिंग टुगेदर, साथ खाने से HIV का स्प्रेड नहीं होता। इनहेरिटेंस, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड हो अगली जनरेशन में, हेरिडिटरी डिजीज नहीं है ये। तो ये दो रीज़न है B and C जिनकी वजह से HIV का स्प्रेड हो सकता है। तो आंसर है 2nd, जिसमें लिख रखा है B and C। 110 में आंसर है संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से और संक्रमित माता के भ्रूण में। तो ये फैल सकता है बहुत आसानी से, आंसर इज 2nd। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन एमनियन डेवलप्स इन विच सेट ऑफ एनिमल्स। देखो, एनिमल किंगडम में अगर अपन देखते हैं तो जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है एमनियोट्स, एक ग्रुप है एनएमनियोट्स। तो पहले जो आते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर एनएमनियोट्स, एनएमनियोट्स,
फिर आते हैं एमनियोट्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंडों के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फॉर्म में एमनियन प्रेजेंट हो, एमनियन इट इज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, फाउंड इन एमनियोट्स। एमनियोट्स जो ग्रुप है वो आ जाते हैं तीन, कौन कौन से? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इन तीनों के अंदर एमनियन प्रेजेंट होती है तो ये इंक्लूड हो जाते हैं एमनियोट्स के अंदर। तो इसमें ये पूछा गया है बाय भ्रूणीय झिल्ली एमनियन निम्न में से किन जंतु के युग में विकसित होती है? तो ये एनिमनियोट्स जो ग्रुप है इसके अंदर नहीं होती, पिसीज में नहीं होती है, एम्फीबिया में नहीं होती है। यहाँ पे जैसे लिख रखा है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, एम्फीबियन में नहीं है, पिसीज एंड एम्फीबिया इसमें भी नहीं है, दोनों में। यहाँ पर रेप्टाइल्स में है, इसमें पिसीज एम्फीबिया दोनों में नहीं है, एम्फीबिया में नहीं है, बर्ड्स में है, बर्ड्स में भी है, मैमल्स में भी है। तो यहाँ पर पूछा गया है इट डेवलप्स इन विच सेट ऑफ एनिमल्स, तो इट डेवलप्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स, तो आंसर इज 4। ये एमनियोट्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, जिनके अंदर एम्ब्रियो में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एमनियन प्रेजेंट होती है, इसीलिए कहलाते हैं एमनियोट्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मियोसिस इन गेमिटोजेनेसिस, जब गेमिट्स बनते हैं उस टाइम मियोसिस होता है। अब उस टाइम पे क्या होता है कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो एक ही बार होगा और जो सेल है वो दो बार डिवाइड करती है। वो कैसे होता है आपको पता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। दो स्टेप का प्रोसेस है। डीएनए का रिप्लिकेशन एक ही बार हुआ, सेल डिवीजन दो बार होता है। वन राउंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इट इज फॉलोड बाय टू राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन, वन राउंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इट इज फॉलोड बाय टू राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन। ये गेमिटोजेनेसिस के अंदर होने वाला इवेंट है मियोसिस। तो आंसर इज 2। सर्कुलेटिंग ऑक्सीटोसिन लेवल्स में नॉट बी डिटेक्टेबल, बॉडी के अंदर एक फीमेल में ऑक्सीटोसिन कब नहीं मिल सकता या उसके लेवल्स इतने कम कब होंगे जब उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सके? तो अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का रोल क्या होता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाता है मेमरी ग्लैंड से जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन जो होता है ये यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है। तो नेचुरल है ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड, ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड, ये दोनों इवेंट्स उसके अंदर ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है। तो जो डिलीवरी होती है प्रसव से पहले तो ऑक्सीटोसिन मिलेगा है ना, पार्चुरेशन के टाइम पे भी मिलेगा, पार्चुरेशन से पहले भी मिल जाएगा, लैक्टेशन में मिल जाएगा, प्रेगनेंसी में नहीं मिल सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ऑक्सीटोसिन आ गया तो वो क्या कर देगा, वो यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो उस टाइम पे नहीं होता, नेग्लिजिबल अमाउंट उसके होते हैं ऐसा अपन मान सकते हैं। ये पूछा गया है जो अपन ने, आंसर है सेकंड। परिसंचरित ऑक्सीटोसिन के स्तर नगण्य है, नगण्य का मतलब है नहीं मिलता। ये कब नहीं मिलता? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो मिसकैरियज होने के चांसेस रहते हैं, फिर एबॉर्शन के चांसेस। तो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 114, दिस क्वेश्चन रीड्स एज ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अपने को इस तरह के
ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी करेक्ट हो, सही हो। अब जैसे इसमें पहला ऑप्शन है कि गेमिट फ्यूजन होता है, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है सिर्फ, ये सेक्सुअल में नहीं होता। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, तो जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में ट्रांसफर होता है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा अगली जनरेशन में, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें भी होगा। थर्ड है रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, रिडक्शन का मतलब है मियोसिस, तो मियोसिस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। फिर फोर्थ है प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, तो वो एसेक्सुअल में भी मिलती जुलती होती है और सेक्सुअल में भी मिलती जुलती होती है काफी कुछ, ये भी ठीक है। संतति पैतृक पीढ़ी से कुछ मिलती जुलती होती है और आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। सेकेंड और फोर्थ आंसर इज 3, बाकी सारे गलत हैं। क्यों? क्योंकि अपने से पूछा गया है कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी। दो बातें दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। आंसर इज 3। नेक्स्ट, एफएसएस के ग्राही उपस्थित होते हैं, तो एफएसएस के रिसेप्टर्स कहां होते हैं? जहां पे गेमेटोजेनेसिस होता है, तो मेल के अंदर जो गेमेटोजेनेसिस हो रहा है वो हो रहा है टेस्टिस के अंदर, और फीमेल के अंदर हो रहा है ओवरीज के अंदर। अब टेस्टिस में अपने पास में भी ये क्वेश्चन आया था, अगर आपने गौर किया हो तो एफएसएस के रिसेप्टर्स वो होते हैं सर्टोली सेल्स पे। इसी तरह से जो ओवरी है उसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, उनका डेवलपमेंट बेसिकली एफएसएस के इन्फ्लुएंस से होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स दे डेवलप्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एफएसएच। The receptors for FSH, they are found on the granulosa cells of ovaries. तो यहाँ पर आंसर इज 1। लीडिक सेल पे नहीं होते, कॉर्पस ल्यूटियम पे नहीं होते, सर्टोली सेल पे होते हैं, थीका एक्सटर्ना पे नहीं होते, लीडिक सेल पे नहीं है granulosa, तो यहाँ पर आंसर इज सर्टोली सेल्स एंड granulosa सेल्स ऑफ द ओवरी, जहाँ पे FSH के रिसेप्टर होते हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि ग्रेन्युलोसा सेल्स फ्यूचर में जो ग्राफिन फॉलिकल होते हैं उनके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। आंसर इज 1। 116। इफ फॉर सम रीजन द वासा इफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, अगर वासा इफरेंशिया किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो स्पर्म का ट्रांसफर कहां से कहां नहीं होगा। तो अपन ने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था, दोबारा मैं उसको बना देता हूं। यह है एपिडिडाइमिस, दिस इज एपिडिडाइमिस, दिस स्ट्रक्चर इज वास डेफरेंस। इसके अंदर यहां पे ये थे रेटेटेस्टिस और यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस जगह पे, यहाँ पर है वासा इफरेंशिया। अगर वासा इफरेंशिया ब्लॉक हो जाएंगी तो रेटेटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ये स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। रेटेटेस्टिस टू एपिडिडाइमिस या टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, जहाँ पर रेटेटेस्टिस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब टेस्टिस ही है, तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर नहीं होगा। एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस, यहाँ पर ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं किया। ओवरी टू यूट्रस, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कुछ है ही नहीं यहाँ पर। वास डिफरेंस टू यूरिथ्रा, ये आगे का है वो भी नहीं है। आंसर इज 1। ये आपके सामने डायग्राम का एक स्केच मैंने बनाने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। 117। सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स कंटेन,
सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अपने को ये पता है कि एक एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। इसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस और फ्रक्टोज। क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक शुगर है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती है फ्रक्टोज की। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं दे कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन यूटराइन स्मूथ मसल्स। यूटरस की जो स्मूथ मसल्स होती है ना उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर ये एक समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे स्पर्म पहुँच गए यूट्रस की कैविटी के अंदर, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस की वॉल में। तो ये स्पर्म जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, इधर की तरफ बढ़ते हैं, फिर ये जहाँ पे फर्टिलाइजेशन करना होता है, और ये काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज फाउंड इन सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। आंसर इज 2। इसमें आंसर क्या हो गया? 2। शुक्राशय के स्राव में उपस्थित होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रक्टोज। ये जो सब्सटेंसेस हैं फिब्रिनोलाइसिन और ये प्रोस्टेट के सिक्रेशन में होते हैं। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और ये सब प्रोस्टेट के अंदर मिलते हैं। तो आंसर इज 2 118। प्रोस्टेट ग्रंथि इस संरचना के नीचे होती है, मिजोरकियम अधिवृषण मूत्राशय बल्बोरिथ्रल ग्रंथि, ये तो सबको आता ही होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस स्ट्रक्चर ये है यूरिथ्रा, इस जगह पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरिनरी ब्लैडर की नेक उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, हिंदी में इसको पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। आंसर इज 3। 119। बार्थोलिन ग्रंथि किस संरचना के बाएं और दाएं और उपस्थित होती है, लेफ्ट और राइट साइड? तो ये वैजिना के दोनों तरफ होती है इस तरह से, ये है बार्थोलिन ग्रंथि। इनके सिक्रेशंस वैजिना का लुब्रिकेशन करते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ऐसी कोई ग्लैंड नहीं होती, यूट्रस की वॉल में ऐसी कोई ग्लैंड नहीं होती, वास डेफरेंस में ऐसी कोई ग्लैंड नहीं होती। आंसर इज 2। 120। अंडाशय में अंडोत्सर्ग के बाद कौन सी संरचना अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है? तो जब अपन देखते हैं कि एक ओवरी के अंदर जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है जब उससे ओवुलेशन हो गया तो वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है विच इज अ सोर्स ऑफ वेरी क्रिटिकल हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी, और वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन पूरी प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। इसका जो सोर्स है इनिशियल प्रेगनेंसी में वो मिलता है किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद में ये काम नहीं करती, ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस एल्बिकेंस ये लास्ट में बनते हैं, जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। इसका कोई रोल नहीं होता, ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं ओवरी के अंदर। टर्शरी फॉलिकल्स ये तो डेवलपिंग स्टेज है, जब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है
उससे पहले ये टर्शरी फॉलिकल्स होते हैं, तो ये आंसर है इसके अंदर 3, कॉर्पस ल्यूटियम। मादा बाह्य जननांगों में कौन सी संरचना सम्मिलित नहीं है? तो इसमें लेविया माइनोरा भी है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, लेविया मेजोरा भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, क्लाइटोरिस भी होता है मेजर एक सेक्स ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, मेमोरी ग्लैंड्स इंक्लूड नहीं होती इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। आंसर है इसके अंदर 2, मेमोरी ग्लैंड्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया का भाग नहीं मानी जाती। आंसर है 2। नेक्स्ट, 2n इज इक्वल टू 16 इज इन ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस आना चाहिए। ये मान लीजिए नाम लिखा मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती बेटा? ये होती है डिप्लॉइड सेल है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है 16, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा दैट विल बी मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट, और उससे ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो नेचुरल है, जो मियोसिस फर्स्ट हुआ रिडक्शन डिवीजन हुआ तो ये रह गई कैसी एन, हैप्लॉइड हो गई, एन इज इक्वल टू 8, आधा रह जाएगा नंबर क्रोमोसोम। अब इसके अंदर होगा मियोसिस सेकेंड, दिस इज मियोसिस सेकेंड, इससे बनेगा बेटा स्पर्मेटिड। इस तरह से ये बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। ये भी हैप्लॉइड होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 ही होगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करें, ये पूछ रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेटाफेज में, मेटाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं, दीज आर टू क्रोमेटिड्स ऑफ वन क्रोमोसोम, ऐसे आप मान लीजिए। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कौन सा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के समय मेटाफेज, एक क्रोमोसोम इस तरह से दिखता है, दो क्रोमेटिड्स होते हैं। तो द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में कुल क्रोमेटिड की संख्या होगी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्रोमेटिड की संख्या कितनी होगी? तो प्राइमरी से सेकेंडरी बन गया तो 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अगर ये बन गए कितने 2n इज इक्वल टू 16 है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बना तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गया 8, इसके अंदर क्रोमेटिड होंगे 16, समझ गया आप, इसके अंदर क्रोमेटिड होंगे 16 क्रोमेटिड्स। क्योंकि एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स हैं इस तरह से मानो आप मेटाफेज में, तो इनका नंबर होगा 16, समझ गया आप। एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स होते हैं, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेट, अभी अभी बात आई थी मैं आपको याद दिला देता हूं कि मियोसिस के अंदर वन राउंड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इट इज फॉलोड बाय 2 राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन। डीएनए रिप्लिकेशन एक ही बार होता है, सेल डिवीजन 2 बार होता है।
इस चीज को अपन ऐसे देखें कि एक क्रोमोसोम के अगर दो क्रोमेटिड्स हैं तो यहां पर टोटल क्रोमेटिड्स हो जाएंगे कितने, 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 32 हो जाएंगे, 32। अब वापस से 32 से यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गया, आधा रह गया, तो आधा रह गया तो क्रोमोसोम का नंबर तो आधा हो गया, तो यहां पर 32 अगर क्रोमेटिड थे तो यहां पे 16 क्रोमेटिड रह जाएंगे, तो आंसर इज 116। नेक्स्ट, स्तनधारी के अंडाणु में द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, तो ह्यूमन ओवम जब रिलीज होता है ओवरी से तो वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से जब रिलीज होता है तो ये बॉडी कैविटी के अंदर आता है ओवरी से रिलीज होकर, और उसके बाद ये फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। व्हेन इट एंटर्स इन द फेलोपियन ट्यूब, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके अंदर मियोसिस सेकेंड चल रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एज सच बॉडी से रिलीज हो जाता है। यहां पर अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अंडोत्सर्ग के तुरंत बाद परंतु इसके फेलोपियन नलिका में प्रवेश से पहले, नहीं, जबकि अंडाणु में एक शुक्राणु प्रवेश करे, ठीक है, ये है सही आंसर कि जब एक ओवम को एक स्पर्म पेनिट्रेट कर देता है तो वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या करते हैं, सेकंड मियोटिक डिवीजन उसके अंदर पूरा हो जाएगा और वो एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज वो एज सच सेकेंडरी ओसाइट बॉडी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में। थर्ड ऑप्शन है, जबकि शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से जुड़ जाए, तो जुड़ने के बाद नहीं, ये तो स्पर्म की एंट्री के साथ ही डिवीजन इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है, फोर्थ है, ग्राफिन फॉलिकल में प्रथम परिपक्वन विभाजन के बाद, तो वो तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर है 2 कि जब एक ओवम के अंदर एक स्पर्म एंटर करता है तो एंटर के बाद में जो पहला जो चेंज आता है ओवम के अंदर वो यही आता है कि उसका जो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है और उसका नतीजा ये होता है फर्टिलाइजेशन पूरा होने की स्टेप्स शुरू हो जाते हैं फिर वो। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, मनुष्य में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की समाप्ति पर नंजरन कोशिकाओं विभेदित हो जाती हैं। अभी अभी मैंने बताया आपको, ये अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन हुआ ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके अंदर एन यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23। तो यही पूछ रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के टाइम पे मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, तो मेल जर्म सेल किसमें डिफरेंशिएट हो रही है, एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इसी के लिए पूछा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट होती है तो ये डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। आंसर इज 4th, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको मैच कराना है क्वेश्चन में 125 में, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सी सेल हैप्लॉइड और कौन सी सेल डिप्लॉइड के लिए सही सही लिख रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी ओसाइट है ये एक हैप्लॉइड सेल है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है ये एक डिप्लॉइड सेल है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी हैप्लॉइड है, सेकेंडरी ओसाइट ये भी हैप्लॉइड है, प्राइमरी ओसाइट ये हैप्लॉइड है, सेकेंडरी ये भी हैप्लॉइड है, ओवम हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड।
यहाँ पर डिप्लॉयड कौन सा है? सिर्फ ये वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो आंसर हो गया वन। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस विच सेल इज हैप्लॉयड एंड विच सेल इज डिप्लॉयड, वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है आपके सामने। आंसर इज वन। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन में किसके रूपांतरण के समय न्यूनकारी विभाजन होता है? रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, स्पर्मेटोगोनियम। ये कब से कब होता है? ये होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि है 2N, इससे मियोसिस 1 जो होगा उससे बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हो जाएगा N। आंसर इज सेकेंड। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट के बनने के समय ये रिडक्शन डिवीजन होता है। नेक्स्ट, विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी? अंडाशय से कौन सी संरचना मुक्त होती है? तो अंडाशय से मुक्त होने वाली जो संरचना है ओवोजेनेसिस के दौरान वो होती है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, जब ओवरी से ओम रिलीज होता है तो कौन सी स्टेज में रिलीज होता है? वो सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में रिलीज होता है। फॉलिकल रिलीज नहीं होते, प्राइमरी ओसाइट रिलीज नहीं होता। इट इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। आंसर इज 4। 127 में आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 128। अंडर नॉर्मल कंडीशन इन विच स्टेज मैनी फॉलिकुलर एट्रेसिया कैन बी सीन इन द ओवेरियन स्ट्रोमा? सामान्य परिस्थितियों में निम्न में से किस परिस्थिति में अंडाशय स्ट्रोमा में हासित पुटक यानी कि फॉलिकुलर एट्रेसिया प्रेजेंट होते हैं? तो वी मस्ट नो दैट ड्यूरिंग फीटल लाइफ मैनी यू नो फॉलिकल्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। दीज फॉलिकल्स मोस्ट ऑफ देम दे डिजेनरेट बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आने से पहले वो डिजेनरेट हो जाते हैं और डिजेनरेट होने के बाद में वो रिग्रेस्ड फॉर्म में, बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्यूबर्टी से पहले ही प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका नंबर वेरी कर सकता है। इनका नंबर जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, एज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इनका नंबर भी वेरी करता रहता है। लेकिन अपन ने जब पूछा है कि मैनी पॉलिकुलर एट्रेसिया कैन बी सीन इन ओवेरियन, तो ये प्यूबर्टी से पहले ज़्यादातर रिग्रेस हो जाता है। फीटल लाइफ में सबसे पहले जब बनते हैं तो ईच ओवरी में कंटेन अराउंड 2 मिलियन ओवोगोनिया, 2 मिलियन ओवोगोनिया होते हैं। सबके सब तो ओवम में डेवलप नहीं करते, ज़्यादातर डिग्रेड हो जाते हैं। कुछ के अंदर सामने उनके बाहर की तरफ वो ग्रेन्युलोसा सेल्स आके कलेक्ट करने लग जाती हैं और वो फॉलिकल्स के अंदर ग्रो करते हैं। इस तरह के करीब 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स जो होते हैं वो बचे रह जाते हैं प्यूबर्टी तक। तो ज़्यादातर डिजेनरेट हो जाते हैं और वो किस फॉर्म में रहते हैं? वो रहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया के फॉर्म में रहते हैं प्यूबर्टी से पहले। तो आंसर हो गया इसके अंदर 1। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी स्पर्म्स विल बी फाउंड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितनी? 4। तो ये मान लीजिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे आपको टोटल मिलते हैं 4 स्पर्मेटोजोआ। एक से कितने मिलते हैं? 4। ये कह रहा 4 हैं, तो 4 से 4:4, 4 × 4 कितने मिल जाएंगे? 16। तो आंसर इज 16, 3। नेक्स्ट, लेयर्स प्रेजेंट अराउंड ए ह्यूमन ओवम फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। एक ह्यूमन ओवम है, मान लो
इसमें एक तो न्यूक्लियस है, बाकी ये जो सेल्स होती हैं जिनको अपन नाम दे देते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स, सबसे बाहरी ही होती है। फिर ये लेयर आ जाएगी जोना पेल्यूसिडा, और फिर ये मेम्ब्रेन आ जाती है जिसका नाम होता है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और उसके अंदर होती है फिर ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से है। लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर है फर्स्ट कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर है जोना पेलिसिडा, उसके नीचे और उसके नीचे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, व्हाइट लाइन झिल्ली। आंसर वन। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन में परिपक्वन विभाजन में सम्मिलित होता है, तो मैचुरेशन डिवीजन जब अपन होता है तो उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट भी होगा मियोसिस सेकंड भी होगा। मियोसिस वन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मियोसिस टू में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण, ये नहीं है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण, ये भी आधी बात होगी। ये पूरी बात है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, ये तो एक बाद का स्टेप है जो लास्ट में होता है। तो मैचुरेशन डिवीजन जो होता है उसके अंदर मियोसिस इन्वॉल्व है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। मियोसिस इज ए टू स्टेप प्रोसेस, मियोसिस वन एज वेल एज मियोसिस सेकेंड। आंसर इज थ्री। नेक्स्ट, एक्रोसोम ऑफ ए स्पर्म कंटेन्स, ये मान लीजिए एक स्पर्म है, ये इसका हेड है, इस हेड में अपने पास में जो स्ट्रक्चर है ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये स्ट्रक्चर ये कहलाता है एक्रोसोम, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्पर्म हेड। तो ये पूछा गया है एक्रोसोम ऑफ ए स्पर्म कंटेन्स, इसमें जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं है, रिसेप्टर्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग टू रिकॉग्नाइज ओवम। एक्रोसोम में जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ओम को रिकॉग्नाइज करने के। इट कंटेन्स सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर पेनिट्रेटिंग द फीमेल गैमेट, इसके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम में जो कि एग के सरफेस को पेनिट्रेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तभी जाके ये स्पर्म का हेड ओवम के हेड से सरफेस से जाके फ्यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सक्ता, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है एक्रोसोम के बिना। तो इसमें वो सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि फीमेल गेमीट को पेनिट्रेट करने के लिए चाहिए होते हैं, एक्रोसोम की बात की जा रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में। मादा युग्मक को भेदने के लिए आवश्यक पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्रोसोम में नहीं है, वो है प्लाज्मा झिल्ली पर, ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अपन बात कर रहे हैं एक्रोसोम की, एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि एग की लेयर्स को डिसॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 133। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इज करेक्टली मैच्ड विद द टाइम पीरियड इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस हैं
जैसे सबसे पहले है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, फिर आता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, और लास्ट में नंबर थ्री पर रहता है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। तो इन सब फेजेस का एक ड्यूरेशन होता है। अब जैसे अपन ने कहा कि सब एग कब रिलीज होगा, ये फिफ्थ डे रिलीज नहीं होता, ये गलत हो गया। इसके अंदर से ये जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया, एग तो रिलीज होता है करीब 14th डे। अब जैसे लिखा एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स, अब जैसे ये दिस ग्राफ, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, उसके अकॉर्डिंगली ये रीजनरेशन का प्रोसेस है, ये यहां से स्टार्ट हुआ सपोज फिफ्थ डे से, और ये चला करीब कितने दिन, ये चला करीब 15th या 14th डे तक चला है। तो अगर आप इसको ड्यूरेशन को काउंट करेंगे तो ये 10 डेज नहीं हो सकता। ये 10 डेज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप यहां से डेज काउंट करेंगे, कहां से, 5 से, तो ये नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, ये नंबर वेरी कर सकता है। एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स इसके अंदर 5 दिन में रीजनरेट नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना आप, ये 5 गलत हो गए, 5 दिन में रीजनरेट नहीं होती। ये अगर अपने पास में एक एक्यूरेट वैल्यू होती कि भाई 5 दिन की जगह अगर ये 9 या 10 दिन लिखा रहता है यहाँ पे, तो वो ठीक हो सकता था, भाई 5 लिख दिया इसलिए ये ठीक नहीं है। अगर थर्ड ऑप्शन को अगर हम रीड करें, एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी, ये सिक्रेटरी कब हो जाती है, ये सिक्रेटरी हो जाती है अराउंड 14-15 डेज से लेके करीब 28 डेज तक या 29 डेज तक। तो ये जो ड्यूरेशन है कब से कब तक का, 14 या 15 डेज से 28 या 29 डेज का ये ड्यूरेशन निकलता है करीब 14th डे, 14 दिन, 14 डेज अप्रोक्सीमेटली है। तो ये वेरी कर रहा है। अब इसमें 14 से 18 भी हो सकते हैं, ये 11 भी हो सकते हैं, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, 5 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, लेकिन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 11 से 18, ये ज्यादा क्लोज है। आंसर गया है इसके अंदर 3, वो 3 आंसर इसलिए गया है बिकॉज ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन कितना है, 14 डेज का ड्यूरेशन है, 14 डेज के ड्यूरेशन में ये पीरियड ज्यादा क्लोज आ रहा है। 5 और 10 दिन नहीं हो सकता, ये 11 और 18 दिन के बीच में कोई भी हो सकता है, तो ये ज्यादा क्लोज है, इसलिए ये आंसर गया है 3। एंडोमेट्रियम का स्रावी होना ये कितने दिन तक चलता रहता है, करीब 11 से 18 दिन का ड्यूरेशन है, ये टेंटेटिव ड्यूरेशन है, एक्यूरेसी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती, अंदाजा है ये। तो अगर अपन एक्यूरेसी के साथ देखें, एनसीईआरटी को फॉलो करें, तो ये 14 डेज का पीरियड है, लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें, तो प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो ये वेरी कर सकता है, कितने दिन का हो सकता है, ये 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15, 16, 17 दिन का भी हो सकता है, ये एवरेज है 14 दिन का, तो इसमें ये ज्यादा क्लोज है, इसलिए आंसर क्या है, आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर एक नियमित रूप से माहवारी आने वाली महिला में यदि ये रुक जाती है तो क्या कारण नहीं होगा। रेगुलर साइक्लिंग वुमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द कॉज, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इन द बॉडी, यस इट मे बी द कॉज, ये वजह हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाने की। फर्टिलाइजेशन ओवम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अगर हो गया यानी कि जायगोट बन गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। फिर है कि नंबर 3, गोनेडोट्रोपिन्स के हाई लेवल्स यानी कि FSH और LH, इन दोनों को कलेक्टिवली अपन बोल देते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है, ये कहलाते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। इनका लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये तो कोई वजह नहीं होती, इट इज नॉट, ये इसकी वजह नहीं है। मीनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा, इरेगुलर साइक्लिंग वुमेन इज नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, अगर मासिक चक्र रुक जाता है तो मीनोपॉज रुक जाने की वजह से भी रुक जाएगा वो, तो
ठीक है, ये रीजन नहीं हो सकता। गोनेड्रोपिन्स के हाई लेवल्स वो ये शो नहीं करते कि मासिक चक्र रुक गया है। हाँ, अगर अपन ये कहेंगे इस वजह से रुक गया है तो वो गलत है। तो आंसर है 3, नॉट बी ए कॉज। हाई लेवल ऑफ गोनेड्रोपिन, इनकी वजह से मेंसेस रुकती नहीं है। तो आंसर है 3, FSH और LH ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। 135, द ऑप्टिमम चांसेस टू कंसीव बाई ए हेल्दी वुमन इज, जब ओवुलेशन होने के चांसेस होते हैं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं, तो वही पीरियड है जहां पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ओवुलेशन कब होता है? इन बिटवीन 12 टू 14 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र के 12 से 14वें दिन। आंसर इज 4th। नेक्स्ट सेक्शन बी, ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज यूट्राइन वॉल अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था में गर्भाशयी भित्ति में कुछ परिवर्तन आते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? मायोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन नहीं होता, प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। ये कह रहा है एंडोमेट्रियम इज स्लॉट्स ऑफ, एंडोमेट्रियम का टूटना ये भी नहीं होता। मायोमेट्रियम का टूटना, मायोमेट्रियम क्यों टूटेगी? फोर्थ है, ब्लड वेसल्स इन एंडोमेट्रियम बिकम्स लॉन्ग एंड कॉइल्ड, जो एंडोमेट्रियम है उसकी ब्लड वेसल्स वो डेवलप हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाती हैं। ये जो मैंने अभी बनाया था वही आप याद रख लीजिए कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट अपन शो करते हैं। प्रोलीफरेटिव फेज, ये प्रोलीफरेटिव फेज यहीं से शुरू हो जाता है और यहाँ पे बढ़ जाता है। प्रोलीफरेटिव फेज के बारे में पूछ रहा है, मायोमेट्रियम प्रोलीफरेटेड नहीं होता, एंडोमेट्रियम टूटती है नहीं होता, मायोमेट्रियम टूटती है नहीं होता, ब्लड वेसल एंडोमेट्रियम में डेवलप होती हैं और ये लंबी और कॉइल्ड होती चली जाती हैं। ये आंसर सही है, आंसर इज 4, एंडोमेट्रियम की रक्तवाहिनियों का आकार बड़ा और ये कुंडलित होती जाती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुंडलित हो जाएंगी ये, लेकिन इनका कुंडलित होना यहीं से शुरू हो जाता है। ये है प्रोलीफरेटिव फेज, ब्लीडिंग के बाद शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग के बाद शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद शुरू हो जाता है प्रोलीफरेटिव फेज, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स दोबारा से बन जाती हैं। आंसर इज 4। नेक्स्ट, प्रोलीफरेटिव फेज में प्रचुर उद्भवन प्रावस्था में निम्न में से कौन सा हार्मोनों का संयुग्म है? अगर अपन इसको यूं बताएं कि प्रोलीफरेटिव फेज में ये ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग रुक गई, ये थिकनेस इंक्रीज होती गई यूट्रस की वॉल की, एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो गई साहब, तो प्रोलीफरेटिव फेज प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, ये प्रचुरोद्भवन प्रावस्था यहाँ तक की है। इस प्रावस्था में जो होते हैं FSH, इनका लेवल वो बढ़ता है, ठीक है, ईस्ट्रोजन उसका लेवल भी बढ़ता है क्योंकि नए ग्राफियन फॉलिकल्स वो डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल नहीं बढ़ता, प्रोजेस्ट्रॉन तो कम ही रहता है प्रोलीफरेटिव फेज के अंदर, प्रोजेस्ट्रॉन कम ही रहेगा। अब ये तीन बातें सुनो, पहले तो आप FSH ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा दिखा रखा है, ईस्ट्रोजन ज्यादा है यहाँ दिखा रखा है, प्रोजेस्ट्रॉन कम है यहाँ दिखा रखा है, पहला ऑप्शन। FSH कम नहीं हो सकता, ये नहीं है, LH ज्यादा यहाँ पे है, ईस्ट्रोजन ज्यादा है, प्रोजेस्ट्रॉन ये ज्यादा है, प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, ये भी गलत हो गया। LH इस टाइम पे
बढ़ावा रहेगा, क्यों? क्योंकि आगे जाके इसको ओवुलेशन करवाना होता है, इसलिए। तो हार्मोनल लेवल एफएसएच के भी धीरे धीरे राइज करते हैं और एलएच के भी धीरे धीरे हार्मोनल लेवल राइज करते हैं, दोनों का लेवल ऊंचा रहता है, एफएसएच और एलएच। ईस्ट्रोजन का लेवल भी बड़ा रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम रहता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन का कोई सोर्स नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होता। यहां पर आंसर इज 137 में आंसर इज 1। नेक्स्ट, वृषणों के अंतराली स्थलों में कौन सी सेल्स होती हैं? मान लीजिए अगर एक वृषण की अनुप्रस्थ काट अगर अपन देख रहे हैं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आएंगी और इनके बीच बीच में दो तरह की सेल्स हैं खास तौर से, एक तो है लीडिक सेल्स, इन्हीं सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। दूसरी होती हैं इसके अंदर ऐसी सेल्स जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं, इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस प्लस मैक्रो फेजेस सेल्स, वो मिल जाती हैं आप। सर्टोली सेल बाहर नहीं मिलेंगी, सर्टोली सेल्स बाहर नहीं मिलती हैं, है ना? तो लीडिक सेल्स हैं यहाँ पे, सर्टोली नहीं है, मैक्रोफेजेस हैं, सर्टोली नहीं है, लीडिक सेल हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल नहीं है, मैक्रोफेज हैं और लीडिक सेल हैं। तो आंसर है 4th, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर दो तरह के सेल हैं, मैक्रोफेजेस और लीडिक सेल्स। आंसर है 4, 138 में। 139, इसमें पूछा गया है यौवनावस्था आरंभ होने पर अंडाशय में अंडाणु जनन की कौन सी प्रावस्था उपस्थित होती है? यह बात हो रही कब की? प्यूबर्टी आने पर। प्यूबर्टी आने पर वो गोनिया नहीं मिलेंगे इसके, याद रख लेना आप, इसमें वो गोनिया नहीं मिलेंगे और इसके अंदर मिल जाएगा प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट वो बाद में बनते हैं प्यूबर्टी आने के बाद में, ओवम वो तो फाइनल स्टेज है, वो तो मिल ही नहीं सकता। ये पूछ रहा है ऑन अराइवल ऑफ प्यूबर्टी, यौवनावस्था आरंभ होने पर, आरंभ होने पर प्राइमरी ओसाइट मिलते हैं, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, सेकेंड। 140 में बताया गया है जोना पेल्यूसिडा लेयर कब हटती है? तो जोना पेल्यूसिडा जो होती है ये ओवम के बाहर की लेयर है, इस लेयर का हटना जब होता है जब एक फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है, जब यूट्रस में पहुंचता है वहां पे इम्प्लांटेशन होना होता है, तो इम्प्लांटेशन के समय इसका हटना जरूरी होता है जोना पेल्यूसिडा का, इस प्रोसेस को अपन नाम दे देते हैं जोना हैचिंग। दैट इज रिमूवल, हटना किसका? जोना पेल्यूसिडा का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कब हटती है? फर्टिलाइजेशन से पहले? नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद में हटेगी। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन? नहीं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी नहीं हटती। कब हटती है? एट द टाइम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो गया, या ब्लास्टोसिस अराइव्स इन यूट्रस, जब ब्लास्टोसिस यूट्रस के अंदर पहुंच गया, जब यूट्रस के अंदर ब्लास्टोसिस पहुंच जाएगा देन रिमूवल ऑफ जोना पेल्यूसिडा टेक्स प्लेस, ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। जोना पेल्यूसिडा के जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे की फंक्शन जो है वो ये भी होता है कि ये यूट्रस के अलावा किसी दूसरी जगह पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, यूट्रस के अलावा फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में इम्प्लांटेशन को रोकती है जोना पेल्यूसिडा, ताकि प्रेगनेंसी सेफ रहे। तो जोना पेल्यूसिडा का लगा रहना फेलोपियन ट्यूब में ज़रूरी है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में अगर जोना पेल्यूसिडा रिमूव हो जाएगी तो वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, वहाँ पे नहीं हटती है।
ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन तो फेलोपियन ट्यूब में ही हो गया था, लेकिन वहां नहीं अटती है, ये अटती है कहां पे? यूट्रस के अंदर आने के बाद। आंसर है 4। मल्टीलोड 375 क्या है? मल्टीलोड 375 एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है, कि इसके अंदर हार्मोन रिलीज होता है या कॉपर रिलीज होता है या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है या नॉन मेडिकेटेड आईओडी है। एक तो चीज ये क्लियर हो गई, एक ये आईओडी होती है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो नहीं होती है। क्वेश्चन को आप करने का तरीका सीखें, एलिमिनेशन करें इसके अंदर से, जो चीज नहीं है उसको पहले हटा दें, ताकि आपका एक ऑप्शन कम हो जाएगा। अब इसके अंदर किसी तरह का कोई हार्मोन नहीं होता, इसके अंदर किसी तरह का कोई हार्मोन नहीं होता, इसके अंदर होता है कॉपर। कॉपर आयंस जो होते हैं वो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं, और उसी के एक्शन से ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। आंसर इज 2। हैप्लॉइड ओवम, एगुणित ओवम क्या कहलाता है? इसको ऊटिड कह देते हैं अपन, एनसीईआरटी से लिया हुआ सीधा क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड एज ऊटिड, अनफर्टिलाइज ओम नहीं है, एगुणित है, हैप्लॉइड ओवम। जब ये रिलीज होता है 142 में, हैप्लॉइड ओवम ये कहलाता है ऊटिड। द मेजर सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन इस सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हार्मोन का सोर्स होते हैं वो प्लेसेंटा होता है भाई, ध्यान रख लेना, प्लेसेंटा, चाहे वो कोई भी हार्मोन के बारे में पूछे, आंसर है प्लेसेंटा। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, इट इज सेकेंड प्लेसेंटा। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एक अमीनो एसिड की चेन होती है। ये क्या होती है? इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की चेन है ये, पेप्टाइड हार्मोन होता है। आंसर इज 2। बायोजेनिक अमीन नहीं होती है, बायोजेनिक अमीन के एग्जाम्पल आ जाते हैं एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, आयोडोथायरोनिन में हार्मोन आ जाते हैं T3, T4, कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हो जाते हैं ये स्टीरॉयड हार्मोन्स। HCG एक स्टीरॉयड नहीं है, ये चेन है अमीनो एसिड की, पेप्टाइड हार्मोन है ये HCG। सेकेंड है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के किस स्तर में रोपित होती है? तो ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है वो एंडोमेट्रियम में होता है। बहुत इजी सा सवाल है, यूट्रस की कौन सी लेयर है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है? आंसर इज एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं होगा, मायोमेट्रियम सिर्फ मसल की लेयर होती है, इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम में। 146, गलत कथन का चयन कीजिए। पहला है, कोलोस्ट्रम कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज, ये सही है। कोलोस्ट्रम के अंदर अपने को पता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीबॉडी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन एम्फीबियंस, बिल्कुल सही है, रेप्टाइल्स में नहीं होता, रेप्टाइल्स में इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, ये गलत हो गया। पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाई एग मेम्ब्रेन्स, अंडाणु के चारों तरफ जो झिल्लियां हैं वो एक से ज्यादा शुक्राणु के द्वारा निषेचन को रोकती हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं, ठीक बात है। ट्रोफोब्लास्ट सेल प्रोड्यूसेस HCG, ये भी ठीक है। तो जो गलत है वो ये वाला स्टेटमेंट है, अपन ने गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट। ट्रोफोब्लास्ट HCG बनाती हैं, आपको पता है बाहर वाली लेयर है, HCG प्रोड्यूस करेगी। आंसर है 2।
फिर आता है क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन के उच्च स्तर अंडोत्सर्ग संदमित करते हैं? अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन को संदमित करेगा, एक तो है प्रोजेस्टेरोन, एक है प्रोलैक्टिन। जब दोनों के लेवल ज्यादा होते हैं, जैसे अपन ने एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड पढ़ते हो आप, कि लैक्टेशनल एमिनोरिया एक मेथड है, नेचुरल मेथड में आ जाता है वो कॉन्ट्रासेप्शन का, लैक्टेशनल एमिनोरिया। उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक मदर अगर अपने बच्चे को फीड करा रही है तो उसके बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल ज्यादा होंगे। जब तक प्रोलैक्टिन के लेवल ज्यादा होते हैं तो बॉडी के अंदर FSH और LH के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम पे होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं आइडियल कंडीशंस में, समझ गए आप। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ओवुलेशन को रोकता है, और इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन अपन ने पढ़ी लिया। कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं ज्यादातर वो प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स या प्रोजेस्टेरोन को ही काम में लिया जाता है जो कि ओवुलेशन रोक देता है। तो आंसर हो गया इसके अंदर 147 में आंसर इज 1। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गर्भ निरोधक का पुनरुपयोग संभव है, दोबारा किसको यूज कर सकते हैं? कॉपर युक्त आईडी दोबारा यूज नहीं हो सकता, वॉल्ट ये रबर के होते हैं इनका यूज हो सकता है, ये आईयूडी यूज नहीं हो सकते भाई, इम्प्लांट दोबारा यूज नहीं हो सकते, वॉल्ट का यूज दोबारा से हो सकता है क्योंकि ये रबर के बने होते हैं। आंसर इज 2, 148 में आंसर है 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, ऐसी कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका पूरी तरह से क्योर नहीं होता? तो इसके अंदर से आपको यह सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वायरस से कौन सा होता है, क्योंकि वायरस वाले का क्योर नहीं होता। अब जैसे ये है जेनाइटल हर्पीस, ये वायरस से होती है, गोनोरिया ये बैक्टीरियल है, सिफिलिस ये भी बैक्टीरियल है, क्लेमाइडियासिस ये भी इसी तरह का है, इसका क्योर नहीं होता जेनाइटल हर्पीस का। आंसर है 1, क्योंकि ये वायरस से होता है जो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। 149 में आंसर है 1। 150, इन ए आर टी का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर, ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर ब्लास्टोमियर का नंबर 8 है, इज ट्रांसफर्ड इनटू विच ऑर्गन, उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक जिसमें लिख रखा है इसको ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो आंसर है फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर 8 से ज्यादा सेल हैं तो उसको आप यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। 150 में क्वेश्चन नंबर 150 गौर कीजिएगा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों ऑप्शन इसको आप बिल्कुल ढंग से पढ़ के अगर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर आंसर है 2, एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस आर लीगली एडवाइजेबल इन केस ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, नहीं कानूनी रूप से वैध नहीं है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में, फीटस इज डायग्नोज विद सम एबनॉर्मेलिटीज इन लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर, लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर भी एबॉर्शन एडवाइजेबल नहीं होता, फीटस शोइंग नो ग्रोथ इन इनिशियल प्रेगनेंसी, वो कर सकते हैं अपन, पता लगा फीटस की ग्रोथ ही नहीं हो रही तो उस केस के अंदर अबॉर्शन एडवाइसेबल है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन बहुत ही रिस्की है, आंसर हो गया 3। अगर इनिशियल प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं हो रही तो अबॉर्शन डॉक्टर एडवाइस कर सकता है, वो सेफ रहता है ना। सेकंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो जाता है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में ये लीगल बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर है 3। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, एक ऐसी लेडी जो कि बच्चे को फीड करा रही है, लैक्टेशन उसके अंदर चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन मिलेंगे,
और इसी की वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है वो देख लीजिए आप, गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं FSH और LH, इनका लेवल कम हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन नहीं होगा, सप्रेशन ऑफ गेमेटिक ट्रांसपोर्ट इसमें कोई रोल नहीं है इसका, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इसमें कोई रोल नहीं है इसका। तो गोनेडोट्रोपिन का रिलीज प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा होता है तो अपने आप कम हो जाता है और उसकी वजह से ओवुलेशन के चांसेस मिनिमम रहते हैं, कंसीवमेंट के चांसेस कम से कम रहते हैं अगर गोनेडोट्रोपिन के लेवल कम हो तो। आंसर इज 1। नेक्स्ट 153, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट स्पेसिफिकली अफेक्टेड। सेक्स ऑर्गन सिर्फ एड्स के अंदर जनरली अफेक्टेड नहीं होते, बाकी जो बीमारियां लिख रखी हैं सिफिलिस इसमें अफेक्ट होता है, गोनोरिया इसमें अफेक्ट होता है, जेनिटल वार्ट्स इसमें अफेक्ट होता है, लीजन्स बन जाते हैं जेनिटल ऑर्गन्स पे, घाव बन जाते हैं उनसे सिक्रीशन हो सकता है, ये एक सीवियर टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन एड्स के अंदर क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स वो प्राइमरीली सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, नॉट स्पेसिफिकली अफेक्टेड नहीं होते। तो आंसर है सेकेंड 153 में। वर्ल्ड एड्स डे कौन सा होता है? तो वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर, ये तो याद रखने वाली बात है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आंसर इज 1। 155, स्पर्मिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। स्पर्मिएशन वह क्रिया है जिसमें शुक्राणु कहां से मुक्त होते हैं, ये मुक्त होते हैं टेस्टिस से और आ जाते हैं टेस्टिस से बाहर, वो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर आ जाना, शुक्रजन नलिकाओं से शुक्राणुओं का बाहर आना, ये प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मिएशन। आंसर है सेकंड। टेस्टिस से बाहर आना वो कहलाता है स्पर्मिएशन। तो एपिडिडाइमिस जो होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रिलीज होकर। 156, निम्न में से विषम संरचना का चयन कीजिए। अब इसमें से विषम स्ट्रक्चर को देखना है आपको। अब जैसे सेमिनल वेसिकल है, एम्पुला, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। शुक्राशय, एम्पुला, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी शुक्राशय जो सेमिनल वेसिकल है ये भी एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये अपने आप में एक ग्लैंड है, एम्पुला ये कोई ग्लैंड नहीं है, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि ये भी एक ग्लैंड है। एम्पुला एक भाग है, मोटा फूला हुआ भाग जिसको अपन एम्पुला कह देते हैं, वो कोई ग्लैंड नहीं होती। तो आंसर है सेकंड। नेक्स्ट 157, विच ऑफ द फॉर दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जरूरी होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, इनका काम क्या होता है, ये ट्रिगर करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन। दोनों हार्मोन करते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ये भी होगा, प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है, इंक्रीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशो ये भी हो जाता है। तो नॉट एन इंपॉर्टेंट वो है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। आंसर है 3। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं पार्चुरेशन के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, ऑक्सीटोसिन ये भी ये काम करेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो बढ़ जाता है उससे भी जो होता है वो पार्चुरेशन ट्रिगर होता है, पार्चुरेशन के टाइम पे ऐसा होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाता है। नेक्स्ट
रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, शुक्राणु संबंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं जोना पेलुसिडा पर। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि स्पर्म के रिसेप्टर्स ओवम के रिसेप्टर्स जाके वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पहचानते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स की आगे की कहानी चलती है। तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं ZP3 रिसेप्टर्स, इनका नाम है ZP3 रिसेप्टर्स। ये प्रमोट करता है किसको? स्पर्म और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन को। जोना पेलुसिडा में प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज 3। अब ये मैचिंग करानी है इसमें List 1 को List 2 से। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनके बारे में है ये। अब जैसे वॉल्ट्स हैं, तो वॉल्ट्स क्या काम करेंगे? एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, IUDs, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, नहीं, वास डिफरेंस का रिमूवल तो कहलाता है वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। IUDs जो होते हैं खास तौर से कॉपर वाले, वो फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। ये मैचिंग है इसकी। ए का तो हो गया 1, बी का है इसके अंदर 3, सी का है 2, डी का है 4। आंसर इज 1। फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 159। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD? हार्मोन रिलीज करने वाला IUD कौन सा है? तो इनके सबके आगे तो आपको कॉपर लिखा हुआ आ रहा है, तो कॉपर वाले तो है ही नहीं है। मल्टीलोड, ये भी एक कॉपर वाला है, तो बचता यही है लिवोनॉर्जेस्ट्रल। ये एक प्रोजेस्ट्रॉन का एनालॉग है। ये ओवुलेशन को रोक देता है। तो आंसर इज 1।